अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल लाहौर मैंने स्टूडियो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ नीडल पर डिटेल वीडियो तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी और सारी जो आपकी कंफ्यूजन थी जो आप अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं मुझसे कमेंट्स में या डी कर रहे होते हैं तो आज आपकी ये जो परेशानी है ना वो दूर हो जाने वाली है इस पर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो आज बनाने लगी हूँ तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा और सबसे पहले मेन काम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन ईजीली आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो पर आ जाएँ सो so, ये है निडल एप्लीकेटर मेहंदी एप्लीकेटर इंजेक्शन कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं इसके आगे ये इस टाइप की पिन लगी होती है जो पीछे से एप्लीकेटर है वो नॉर्मल इंजेक्शन है जो इंजेक्शन मिलता है मार्केट से मेडिकल स्टोर से डॉक्टर से वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा लेकिन मेन चीज़ ये पिन है आ, मैं आपको सेपरेट भी दिखा देती हूँ ये देखें ये नॉर्मल इंजेक्शन हैं ठीक है ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि मैं किस तरह से किस चीज़ की बात कर रही हूँ ये देखें ये नॉर्मल इंजेक्शन है ठीक है इसे मैं साइड पे कर देती हूँ इसके साथ आपको ये वाली पिन मिलती है सुई मिलती है जो होती है ना जो जब हम बीमार होते हैं तो लगाई जाती है मगर आपने ये नहीं लगानी इसका कोई काम नहीं है ये वेस्ट है हमारे लिए हमारे काम का जस्ट ये एप्लीकेटर है ये भी हमारे जो पीछे से ये है होता है ना जो भी है पुश करने वाला जिससे हम इंजेक्शन ओहो ये निकल ही नहीं रहा अच्छा ये है ठीक है हमारे काम का सिर्फ ये इतना सा पीस है जिसमें हम मेहंदी डालेंगे और आगे से जो पिन लगनी है ना वो स्पेशल इंजेक्शन मेहंदी वालों से ही आपको मिल सकती है ये ख़ास इंजेक्शन मेहंदी के लिए मेहंदी लगाने के लिए बारीक और खूबसूरत मेहंदी लगाने के लिए ही ये पिन बनाई गई है सो so, आपने करना क्या है किसी भी इंजेक्शन मेहंदी वालों से ये इज़िली आपको मिल जाएगी Uh, वैसे मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है वैसे आप जितना मर्ज़ी ढूंढें फिरें आपको ये नहीं मिलने वाली सो so, आपको ये इंजेक्शन मेहंदी वालों से ही परचेज़ करनी पड़ेगी ये पेन साथ वो आपको एप्लीकेटर भी देते हैं अब आप कह रहे होंगे कि ये छोटा है इसको हमने क्या किया है ये दो इंजेक्शन्स को जोड़ कर ये एक बड़ा एप्लीकेटर हमने तैयार किया है ठीक है ये कन्फ्यूजन तो आपकी हो गई होगी दूर कि ये बड़े साइज़ का एप्लीकेटर कहाँ से मिलता है ये आपको खुद बनाना पड़ेगा आपको ये इतना ही मिलेगा इंजेक्शन जो है वो इतना भरा आपको नहीं मिलेगा ये आपको इतना मिलेगा ये आपको इसको एडजस्टमेंट करके ये डबल जोड़कर आपको ये दो जोड़कर जो है ये एक बड़ा एप्लीकेटर तैयार करना होगा सो ये भी आपको अगर मुश्किल लगता है तो इंजेक्शन मेहंदी वाले वालों से आप कह दीजिएगा कि हमें जो है बड़ा एप्लीकेटर चाहिए तो वो आपको ये लार्ज बिग साइज़ का एप्लीकेटर जो है वो दे देंगे इसके बाद बात करते हैं पिन की पिन में जो है वो तीन साइजेज़ आते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज पिन स्मॉल मीडियम लार्ज मतलब ये है कि आगे से जो इसकी ये आपको जहाँ से ये मेहंदी निकलेगी वो उसमें फ़र्क होता है वैसे ही ये स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं होती जस्ट इसमें फ़र्क होता है स्मॉल मतलब कि जो सबसे बारीक है वो स्मॉल होगी बिल्कुल बारीक जिससे आप सिग्नेचर वर्क सिग्नेचर मेहंदी काशी स्टाइल में मेहंदी जो है वो लगा सकेंगे फिर आती है रेगुलर नीडल uh, मतलब मीडियम साइज में जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं uh, जैसे नॉर्मल वर्क करना हो नॉर्मल बेल uh, लगानी हो टिक्की लगानी हो उसके लिए रेगुलर नीडल मीडियम साइज़ में यूज़ होती है ये मेरे पास मीडियम में ही है ठीक है ये देखें अब मैं आपको uh, जो है स्मॉल में भी दिखा देती हूँ जो फुल बारीक है <coughs> अच्छा जी ये मैं यूज़ कर रही थी ये मैंने वॉश नहीं की जिसकी वजह से ये आपको गंदी गंदी नज़र आ रही है तो ये है स्मॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा बारीक नीडल ये आपको शायद फील हो रहा हो ये आप चेक करें ठीक है और ये आप देखें इन दोनों में फ़र्क आपको पता चल रहा होगा ये चेक करें ठीक है और जो लार्ज है वो थोड़ी मोटी होती है यानी कि उसमें से बहुत ज़्यादा मेहंदी निकलती है उसमें से मोटी मोटी निकलती है वो आप जल्दी का काम ये कर सकते हैं कि टिक्की किसी ने लगवानी है फिल वाली या टिप्स फ़िल करवानी है तो वो उसमें फिल मेहंदी करके तो आप वो लगा सकते हैं सो मोटी नीडल का जो लार्ज वाली है उसका कोई काम नहीं क्योंकि उससे जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ही लगा सकते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना आता है मगर आप लोगों के लिए जैसे बिगनर्स हैं वो रेगुलर नीडल ही यूज़ करें क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है वो मीडियम सॉरी स्मॉल से स्टार्ट करेंगे बिगनर्स तो उनके लिए मुश्किल होगी उनकी स्पीड जो है स्टार्टिंग में ही स्लो हो जाएगी तो अगर स्टार्टिंग से ही आप स्लो चलेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी और स्लो ही हाथ वहीं जो है ना सेट हो जाएगा पक्का हो जाए ना वहीं पर हाथ और फिर कुछ नहीं हो सकता सो so, जब बिगनर्स आप होते हैं तो आपको ये मीडियम वाली नीडल यूज़ करनी चाहिए ताकि आपका हाथ जो है वो सेट रहे ठीक रहे जब आप प्रोफेशनल हो जाए जब आपने सिग्नेचर वर्क करना हो तब आप जो है वो स्मॉल निडल बारीक नीडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं सो so, आपने करना क्या होता है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेहंदी इसमें से कहाँ से डलती है भाई मेहंदी इसमें से यहाँ ये पीछे से ओपन साइड है ठीक है इसमें से डलती है अब सवाल ये आता है कि इसको पुश करना पड़ता है नहीं इसको पुश नहीं करना पड़ता ये ऐसे ही जो है ऑटोमेटिकली निकलती है और खुद ही आपने इसे हैंडल करना होता है कंट्रोल आपने खुद ही करना होता है जिनको प्रैक्टिस होती है वो कर लेते हैं लेकिन जो न्यू हैं बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी कौन मेहंदी से भी नहीं मेहंदी लगाई होती है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है उनको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होती है सो so, <coughs> अच्छा जी अब बात करते हैं इसमें यहाँ से मेहंदी डलती है ठीक है दूसरी बात यह कि आप अपनी सेफ्टी के लिए समझ लें कि ये टिशू है इसको आपने रोल ऐसे करके तो इस तरह से पीछे आपने इसके लगा देना होता है कि मेहंदी गिरे ना बाज़ दफ़ा ये होता है बिगनर्स जो हैं वो भूल जाते हैं कि हमने इसमें मेहंदी डाली और इसको उल्टा नहीं करना और वो इसको पकड़ के ऐसे उल्टा कर देते रखते रखते या चलाते चलाते ऐसे कर देते हैं सो सारी मेहंदी यहाँ वहाँ लग जाती है फैल जाती है सो आप ये जो है ना सेफ्टी के लिए ऐसा कर सकते हैं अब इसको पुश नहीं करना होता ठीक है बाकी मैंने हर डिटेल वीडियो जो है इंजेक्शन पे पहले भी बनाई हुई है लिक्विड मिक्सिंग पे भी डिटेल वीडियो है हाफ कॉर्न की मिक्सिंग है फुल कॉर्न की मिक्सिंग है दो कॉर्नस की मिक्सिंग भी है इसके अलावा मैंने चीनी पत्ती का अरग जो इसमें यूज़ होता है इंजेक्शन मेहंदी में वो भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है सारी डिटेल्स बताई हुई हैं क्लासेस जो हैं वन से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव क्लासेस अपलोड कर दी हैं इसके अलावा मैं ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करती रहती हूँ सो so, आप लोग थोड़ी सी जहमत कर लिया करें सवाल पूछने के बजाय थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन करके आप देखा करें कि आपके मतलब की कोई चीज़ पड़ी है या नहीं थोड़ा सा विज़िट किया करें ना ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें इंस्टाग्राम आप विज़िट कर सकते हैं मेरा वहाँ पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें उसमें भी अक्सर लिंक जो आपने सवाल पूछने होते हैं पहले से मैंने दिए होते हैं सो आप पूछ सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक जो है समझ आ गई होगी सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज़